अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अज़ाद न्यूज़। मैं हूं आशा कुरैशी। मुस्लिम लीग नून लुट गई, बर्बाद हो गई। सुबह पंजाब के अहम तरीन जिला के 3 एमएनएस ने इस्तीफा देने का हतमी फैसला कर लिया। ये कौन कौन है जानिए। जंग से तलक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान कौमी असम्बली की जानिब से मुस्ताफी होने का फैसला किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग हर गुजरते दिन के साथ एक से एक नए बहरान का शिकार होती जा रही है। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बगावत करने की खबरें आए रोज मीडिया की जीनत बनती रहती हैं। अब मुस्लिम लीग नून के मजीद अरकान असम्बली ने मुस्ताफी होने का फैसला किया है। जंग से तलक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान कौमी असम्बली की जानिब से मुस्ताफी होने का फैसला किया गया है। एमएनए गुलाम अहमद लाली, एमएनए शेख अकरम और एमएनए गुलाम बीबी की जानिब से मुस्ताफी होने का हतमी फैसला किया गया। तीनों अरकान असम्बली फैसलाबाद के तोहबीघाट मैदान में पीर हमीदुद्दीन सियालवी के जलसे में अपने इस्तीफों का ऐलान करेंगे। वाजह रहे कि पीर हमीदुद्दीन सियालवी और कासम सियालवी ने मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने खत्म नबूवत के मामले पर गलत बयानी से काम लिया। नाराज लीगी रहनुमाओं के इस्तीफों की तादाद में कमी की बजाय बतदरीज इजाफा होगा। 10 दिसंबर को दोहबीघाट जलसे के बाद हम मुलगीर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे और इस जलसे में नाराज लीगी रहनुमा इस्तीफे भी देंगे। सरगोधा में कासम सियालवी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दोनों रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नूर से लहदगी का ऐलान किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए पीर कासम सियालवी का कहना था कि मुस्लिम लीग नूर ने राना सनाउल्ला का इस्तीफा 3 अय्याम में लेने का वादा किया था, जबकि लीगी रहनुमा इस्तीफों के मामले पर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं।